अरे काळवी काठेरी रे ए राख चांदा काळवी ए काठेरी रे दा आंगणो तोड़े मर हर भी काच धोरे जी ठाकुर साहब कुंवर साहब अरे कोनी है घोड़ी रो रे दोष मारे कोनी है ताली बजाएं सभी लोग कोनी है घोड़ी रो रे दोष मारे कोनी है घोड़ी रो रे तो देवल तू के है गडरे कांगड़े थे जी आ कोनी है घोड़ी रो रे दोष मारे कोनी है थोड़ी रो रे तो केवल तू के है गडरे कांगड़े रे जी चांदे जवाब दियो कि कोनी है घोड़ी रो मारे दोष इन्हें मारे घोड़ी को दोष ना आ तो देवल भाई ऊपर ऊपर देवल भाई करुणा कर रही है वास्ते घोड़ी कूद रही जैसे जैसे बोलिया तो बाबूजी रा तीन फेरा चवरी में हो गया चौथो फेरो जैसे ही वो शुरू हुआ और बाबूजी महाराज ने काना में आप बात सुनाई दी अब देखिए किस प्रकार से धर्म को निभाया जाता है अरे तीजो फेरो चवरिया रे माय बाबू रो तीजो फेरो तीजो फेरो चवरिया रे माय बाबू रो तीजो फेरो चवरिया रे माय चौथोड़ा फेरा में पल्लो फाटियो रे जी तीजो फेरो चवरिया रे माय बाबू रो तीजो फेरो चवरिया रे माय चौथोड़ा फेरा में पल्लो फाटियो रे जी देखिए एक बहुत खास बात निवेदन करना चाहता हूं राजस्थान में ब्याह कितना फेरोंगे सात फेरों में वो पीछे एक सात कह रहा अपने राजस्थान में चार फेरों में ब्याह हो जाओ पूरे देश भर में सात फेरे की परंपरा और ये परंपरा क्यों कि बाबूजी चौथे फेरे में पल्ला ने काट दियो उस दिन से ये परंपरा राजस्थान में चल गई कि बाबूजी जब चौथा फेरा में चमरी ने छोड़ दी तो अपने भी राजस्थान में इसी प्रकार की परंपरा का चलन हो गया अब देखिए छेड़ापल्ली ने काट और बाबूजी डार सीधा घोड़ी पर सवार हो गया तो बाबूजी रे साला बाबूजी रे साड़िया बाबूजी रे ससुराल का लोग जार घोड़ी के आगे खड़ा हो गया बोले कंवर साहब कहीं हो गए हो चवरी ने छोड़ की कर जा रहा हो कोई चाकरी में चूक रह गई हो तो बताओ कोई कमी रह गई हो तो बताओ कोई मनमार में कमी रह गई हो तो बताओ कहीं बात हो गई कोई हमारी बेटी में चूक है तो बताओ कोई कमी है तो बताओ सोटी में कोई कमी है तो बताओ और बोले अरे कहीं देखियो सोटी में चूक बनोई जी कहीं देखियो माता बीनों से निवेदन करता हूँ थोड़ी ताली के साथ में कहीं देखियो सोटी में चूक बनोई जी कहीं देखियो सोटी में चूक अरे केड़ा का माने पल्लो फाटियो रे जी हाड़ा पकड़े घोड़ी री लगाम पबूरा हाड़ा पकड़े घोड़ी री लगा
आलोपरा महिला रे रे माय बनोई जी आलोपरा महिला रे रे माँ कुंकू केशरा नौखो छोटना रे जी सब लोग कोशिश कर ली पर बाबू जी ना ढबिया क्योंकि बाबू जी ने गौ माता की रक्षा को धर्म निभानो हो बाबूजी देवलबाई ने दिए वचन ने निभानो हो और बाबूजी ब्याह ने छोड़ और अपने ससुराल में कॉल कर दियो कि मैं जीवित रहे हो तो पाछो आऊंगा और बाबूजी अब देखिए किस प्रकार से अरे घोड़ी खेले अंका शोरे माय बाबूजी अरे घोड़ी खेले अंकाशोरे माय बाबूरी घोड़ी खेले अंकाशोरे माँ चांदियो तू दे गडरे टांग टेरे छत गुलरे अरे छतरी गुलरे बेले रे आय भवानी छतरी गुलरे बेले रे आ बाबूरे आई जेरे पगोरे पागड़े सिंवरू सुंधारी रे दाय भवानी सिंवरू सुंधारी रे दा भारत में सिंवरू रे भवानी काल का रे राम नावो पराम नावो पावन रे वीर भई भई पराम नावो पावन रे वीर एक तो मनावो खेड़े रो बाबूजी अस्त्र शस्त्र लिया और सास सासु रवाना हो वापस गांव आया मां बाबूजी री मां बोली कि बेटा बोले कि ना मां जो मारो धर्म है वो मैंने निभाणो पड़ेला बाबूजी री मां बोली कि बेटा जिंदराव थारो बहनो ही है और तू मारने की गलती मत कर जे थारी बहन को सुहाग उजड़ जावेला बाबूजी अपनी मां ने वचन दे दियो बोले कि मां चिंता मत कर लेकिन उसकी करनी का फल उसकी करनी का सबक तो उसको सिखाना पड़ेगा अब देखिए किस प्रकार से बाबूजी रणभूमि के लिए निकलते हैं Yeah.
याद थो कि मारो बहनो ही है। बाबू जी रणभूमि में जिंदराव ने परास्त कर, अब देखो सजा क्या दी, जिंदराव ने नाक में नथनी पहनाई, नकेल खाल, नकेल खाल और डोरी बांध और घोड़ी ने लारे बांध दियो। अब देखिए, हे बाबूजी भाली भाली नथनी नाकड़े माई, नथनी नाकड़े माई बांधे के शरले लारे खींची। चरणा में आर गिर गयो, बोले कि साला जी माफ कर दो, बख्श दो, आज के बाद में आपकी गायों की तरफ नहीं देखूंगा, मारे काल भी घोड़ी ना चाहिए, पर माफ कर दो, मारो मत ना। बाबूजी मारो वचन दियो तो बाबूजी बोले कि जा माफ कियो, बाबूजी माफ कर। और जैसे ही वापस घूमिया, देखिए कायर कायर होता है, शूरवीर शूरवीर होता है, दुष्ट दुष्ट होता है और सजन सजन होता है। बाबूजी महाराज ने ईमानदारी का परिचय दिया, उनको याद था कि हमारी बहन को सुहाग ना उजड़े। लेकिन बाबूजी जैसे ही वापस घूमिया, जिंदराव दुष्ट हो, नीचे एक तलवार पड़ी हुई, जिंदराव घायल अवस्था में खड़ो हो गयो, तलवार हाथ में ली और जैसे ही बाबूजी घूमिया और मौको देख और जिंदराव वो नंगी तलवार हाथ में ले बाबूजी ने धोखे से गड़ा पर वार कर दिया। कई इतिहासकारों का मत है, डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ ने बाबूजी महाराज के विषय में बहुत सुंदर लिखा है, जोधपुर यूनिवर्सिटी में शायद राजस्थानी साहित्य में शायद वो सब्जेक्ट चलता है। बालोतरा के पास में एक छोटा सा गांव है भांडियावास, वहां पर चारण समाज में एक बहुत जोरदार कवि हुए जिनका नाम हुआ मोडजी आसिया। इन्होंने बाबूजी महाराज के जीवन पर एक पूरा ग्रंथ लिख दिया, उसका नाम है बाबू प्रकाश। उसमें राजस्थान के साहित्यकारों का अलग अलग मत है, कई इतिहासकारों का मत है कि बाबूजी ने अपने शरीर को स्वयं छोड़ के वो स्वयं घोड़ी समेत इस दुनिया से उन्होंने पर्दा कर लिया। कई लोगों का ये मत है कि जब तलवार से उन्होंने वार किया तो बाबूजी का गला और धड़ अलग अलग हो गया, लेकिन बाबूजी वीर गति ने प्राप्त हो गया। गौ माता की रक्षा के लिए, अपने धर्म और अपने वचन के लिए बाबूजी ने अपने प्राण दे दिए। आज उस बात को लगभग 700 साल, 1299 में बाबूजी का जन्म हुआ था, आज 700 साल बीत गए, बाबूजी का नाम ही दुनिया में अमर हो गए। गौ माता की रक्षा और बाबूजी महाराज का गांव गांव में थड़कला है, बाबूजी महाराज का गांव गांव में मंदिर है, बाबूजी को जो मानता है बाबूजी उसको शक्ति देते हैं, उसको बल देते हैं, और शायद ओम बना को भी बाबूजी की शक्ति हासिल थी ऐसा ही लगता है, क्योंकि उसी राठौड़ कुल में ये ओम बना का भी जन्म हुआ। एक बार सभी लोग ओम बना का और बाबूजी महाराज का दोनों का जयकारा साथ में बोलेंगे, बोली ओम बना सरकार की, बोली बाबूजी राठौड़ की, जग में अमर नाम,
देखिए पिछले 5-6 वर्षों में ओम बना के यहां से चमत्कार निकलकर पूरे देश भर में इस प्रकार फैले कि जिसने एक बार ओम बना के नाम का सुमिरन किया, एक बार अपने मन की बात को यदि ओम बना के चरणों तक पहुंचाया, उस भक्त का बेड़ा पार हुआ। मैं उनकी महिमा के साथ में इस सुंदर कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा हूं। धन्यवाद। जी चोटीला हदी हो बिरूरे चोटीला सभी की तालियों के साथ में इस महिमा को गाना चाहता हूं। पीछे तक विराजमान सभी भक्त एक बार अपने दोनों हाथों को उठा ले। उमारा ओम बना जीरो धाम धीरा हाथ नीचे है सभी से निवेदन दोनों हाथों को उठा ले। जन्म्यो शूरो आ
जोग सिंह जी दे आंगणे पातावत रे घर में विक्रम संवत 2021 वैसाख सुधी आठम के दिन माँ स्वरूप कंवरी कोकसो लाल बना ये ओम बना को जन्म हुए। बाबूजी राठौड़ की परंपरा में ओम बना की धरती पर जन्मया। अपने मन में गरीब लोगों के लिए दया, अपने मन में गौ सेवा में गौ माता के लिए दया और ऐसा भाव उनके जीवन में, तो माता की कोख धन्य हुई, वो माँ धन्य हुई और वो पुत्र धन्य हुआ जिसको ऐसी माँ मिली। मैं शब्दों में विनती कर रहा हूँ, स्वरूप कंवरी माँ माता बिलो से निवेदन करता हूँ ताली के साथ में, स्वरूप कंवरी माँ आपरी रे बना घणो लड़ायो लाड़ी बनाओ, स्वरूप कंवरी माँ आपरी ओ घणो लड़ायो लाड़ी बनाओ, स्वरूप कंवरी माता आपरी दी। संग में जाए बनावो बालपणो है आपीड़ो साथीड़ो संग जाए बनावो बालपणो है आपीड़ो।
कुंभना राठौड़ पातावत परिवार में अपने कुटुंब परिवार के साथ में धीरे धीरे बड़ा होया, जवानी आई और घर में कुंभना के ब्याह की तैयारियां हुई। ईस्वी सन 1988 10 मार्च ने कुंभना को ब्याह और बड़े धूमधाम से कुंभना को ब्याह हुआ। देखिए विधि का विधान है, कि जिसको अमर होना होता है वो अमर ही होता है। बेमाता ऐसे लेख, बेमाता रे घर रहा ऐसा लेख लिख दिया जावे। जो कुछ लिखा लिलाट पर मेट सके ना कोय, जो कुछ लिखा लिलाट पर मेट सके ना कोई, और कोटि यतन करते फिरो पर अनहोनी ना होए। जो होना है वो तय है और पहले से ही तय है। किसी ने ये नहीं सोचा था कि कुंभना हमारे बीच में नहीं रहेंगे, लेकिन जब वो दुनिया से गए तो इतना सारा ये प्रकाश, इतनी सारी रोशनी कर दी कि लाखों करोड़ों लोग उनके भक्त बन गए। ये उनकी ऐसी दिव्य, उनकी उनके जीवन की लीला थी। उर्मिला कंवरी सू आपने, उर्मिला कंवरी सू आपने बना सा प्याव रचायो खबर सू आपने।
आयो बुलावो, आयो बुलायो, आयो बुलावो यमी राजीरो बनाता सुर्ग सिधारा आप बनावो, आयो बुलावो यमी राजीरो सुर्ग सिधारा बनाता आयो बुलावो यमी राजीरो। रात के वक्त आप और हम सभी लोग जहां बैठे भगवान को पता नहीं ये क्यों मंजूर था, परिवार घर वाला सब सोच रहे कि बना घर आसे, लेकिन पता नहीं वो कैसे काली रात थी कि इसी जगह पर इस जाड़ के नीचे अपनी बुलेट पर उनकी दुर्घटना हो गई। शुरू जूंजो रेवण वास्ते जूंजो, पर भगवान ने मंजूर थो कि तू आप हमारे पास आ जाओ, बाद में दुनिया में रोशनी आपके नाम की होगी। बनासा स्वर्ग सिधारा। कुछ समय बाद में ठाकुर जोग सिंह जी इन स्थान पर अखंड जोत ओम बना के नाम की, जब एक दिन उनके परिवार में जब ओम बना आ और कहो कि मैं हूं, तब घर वालों को सबको लगा कि वास्तव में ऐसी शक्ति दिव्य शक्ति हमारे घर में आई थी। ठाकुर जोग सिंह जी इन स्थान पर अखंड जोत ओम बना रे नाम री जगा दी। धीरे धीरे लोगों ने इन स्थान पर अपनी मन्नत मांगनी शुरू की, जिसने भी मांगा उसको मिला। धीरे धीरे 2-5-7 साल में हजारों लाखों लोग इन धरती पर आओ ओम बना रे स्थान पर निवण करने लगा, और जो जो मांगियो ओम बना हमारा भंडार भरपूर किया। दोनों हाथ उठाकर बोलिए ओम बना की जय। कुंवर महान पराक्रम सिंह जी हमारे बीच में बैठे हैं, कुंवर साहब इन्होंने अपने पिता का मुंह नहीं देखा, अपने पिता को नहीं देखा इन्होंने। जब ये अपनी माँ की कोख में थे उसी समय ओम बनासा हम सभी से विदा लेके चले गए, लेकिन आज ये स्वयं को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि उनका एक ऐसा उनका भक्ति उनका ऐसा मन था कि आज उनके नाम की जोत चारों तरफ जगती है और वो दुनिया में नहीं लेकिन अमर हो गए। पर इसीलिए जुग चरणों रे माय बनावो भगत मंडल री नीति हो, जुग जुग चरणों रे माय बनाता भगत मंडल री नीति हो।
सुन जो ध्यान लगा राठोड़ा घर मां अजि सूर मां जन्म्या जन्म्या चोटी लारे। अब किस तालियों के साथ में आनंद करते हुए अरे सूर मां जन्म्या अरे सूर मां जन्म्या जन्म्या चोटी लारे चोटीलारी माँ ये सोनेरी कटारे नाड़ा मोरीरा हो मुतड़े सोवन थाल घर घर बटाया रे बतावड़ा हो जियो जकोरी कर जो साय भोमिया सिमरे जकोरी कर जो साज गाया गवाणर नहीं जो अरे गाया गवाणर रक्षा राखी जो ओ जियो अरे भोमिया सिमरे जकोरी कर जो साय भोमिया सिमरे जकोरी कर जो साज गाया गवाणर जी
की है रात, आठम की है दात बनासा आज धने आनो है, आठम की है से दास हूँ बना सा तुम्हारा, बना सा तुम्हारा। भक्त मंडली वो भगोदा
जग जोगिणी जय जगदम्बे जग जोगिणी जपूमिता प्रकटो बापो अरे जीव दे गणावर राज गणावर जीव दे गणावर तालियों के साथ आरंभ बस अंतिम समय तो आनंद ले लीजिए अरे जीव दे गणावर राज गणावर जीव दे गणावर राज दो हाथ ऊंचे कर दे दिलीप सिंह जी से निवेदन बहिने आई जोरदार तालियों से अभिवादन कर जियो गणावर राज गणावर जियो ने गणावर राज गणावर जियो ने गणावर नागाना रामिंदर में ओ राज गणावर अरे नागाना रामिंदर में जगदम्बा
सुंदर
सुन जो जगदंबा मा आवरा जोगणिया ईंडो